नमस्कार, आज आपका अन्नपूर्णा चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आम का मीठा अचार बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये देखिएगा, आम का मीठा अचार बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम आम ले रखे हैं, जो आजकल मार्केट में खूब आ रहे हैं। और आप इनको मीठा बनाएंगे तो आप 10-12 दिन तक अच्छे से खा सकते हैं। तो ये देखिएगा, इनको मैंने इस तरीके से, आप इनको छीलिएगा और छीलने के बाद इनके हमें पतले पतले पीसेस काटने हैं और हमें एक दिन के लिए इनको नमक लगा के रखना है। देखिएगा, आम को मैंने छील लिया है और इसकी हम ये गुठली निकाल देंगे। और इसको इस तरीके से हम पतले पतले पीसेस काटेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। अगर आप छोटे थोड़ा पसंद करते हैं तो आप इनको इस तरीके से ये कट कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से पतले पतले पीसेस आप काट लीजिएगा। और ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक ले रखा है, उसको नमक डाल के आप एक रात के लिए रख दीजिए। आम को हमने इस तरीके से पतले पतले कट कर लिए हैं और ये 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और इनको हम ढक के रख देंगे और दूसरे दिन हम बनाएंगे। ये देखिए, कच्ची आमी को मैंने रात को कट करके रख दिया था। अब इनका हम मीठा अचार बनाएंगे। ये देखिए, हम इनको इस तरीके से, इसमें अगर थोड़ा पानी भी है तो आप उसको फेंकिएगा नहीं, हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। और ये मैंने 4 टेबल स्पून ये शुगर ले रखी थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने भुना हुआ जीरा ले रखा है, उसको मैं 1 टीस्पून इसमें डालूंगी। और ये मैंने सौंफ ले रखी थी, इसको मैं 1 टीस्पून डालूंगी। और ये मैंने काला नमक ले रखा है, उसमें मैंने वाइट नमक डाल रखा था, इसलिए मैं 1/4 टीस्पून ही डालूंगी। और ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले रखा था, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। और ये मैंने धनिया ले रखा था, 1/4 टीस्पून इसको भी डालूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 20-25 मिनट तक हम सिम गैस पर ही पकाएंगे। आम का मीठा अचार बनकर रेडी हो चुका। इसको मैंने चीनी में पकाया है, आप अगर चाहें तो इसको गुड़ में भी बना सकते हैं, दोनों में ही बहुत टेस्टी लगता है। और आप इसको ये कोई भी ऐसे कांच के बाउल में, जार में, किसी में रखिएगा, प्लास्टिक वाले किसी जार में मत रखिएगा। और इसको 1 हफ्ते तक आप आराम से फ्रिज में रखें या बाहर खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। अचार बनकर रेडी हो चुका है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।